सेंट्रल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही चीफ रिपोर्टर। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपके यहाँ देखा कि अकुपंक्चर के द्वारा इस एक बच्चे का आप इलाज कर रहे हैं बहुत अत्याधुनिक तरीका से। शायद ये मुजफ्फरपुर का पहला आपका ये चिकित्सा केंद्र है जहाँ की अकुपंक्चर के सहारे एक विकलांग के बच्चे को विकलांगता से आप बचा रहे हैं। यह दिव्यांग बच्चा कहा जा रहा था लेकिन अब ये चलने लगे हैं, अपने पांव पे खड़ा होने लगे हैं। अपने परिचय के साथ बताएं कि इससे कौन सा बीमारी था और क्या परेशानी था और कितने दिन में ये बच्चा ठीक होंगे, कब से इलाज चल रहा है। बीके मल्लिक मेरा नाम है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मल्लिक। मैं एक्यूपंक्चर पद्धति से चिकित्सा करता हूँ। इसमें निडिल चुभा के हर बिंदु पर निडिल चुभाया जाता है और उससे चिकित्सा की जाती है। ये एक्यूपंक्चर अपने यहाँ का बहुत पुराना है, लेकिन अभी चीन में भैनसांग का ग्रुप आया था तो चीन ले गया था यहाँ से इनका। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर पद्धति पूरे विश्व में अभी प्रचलित है। विश्व में एक्यूपंक्चर का दूसरा स्थान है, एलोपैथी का पहला स्थान है और इसका दूसरा स्थान है। इसमें बहुत सारे जटिल रोग जहाँ की सारे विधा फेल हो जाते हैं, निष्फल होते हैं, इसमें चिकित्सा से उसको लाभ मिलता है और बीमारी दूर हो जाती है। इस बच्चे को कौन सा बीमारी? इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी कहा जाता है, बचपन से ही इसको पाया जाता है। इसको बचपन से ही था, जन्म हुआ उस समय से ही बीमारी थी इसकी। और इसकी चिकित्सा विभिन्न जगहों पर हुआ, PGI चंडीगढ़ में भी चिकित्सा कराए हैं और लुधियाना में कराए हैं, विभिन्न जगहों पर कराए हैं। 7 साल हो गया है, 7.5 साल हो रहा है, 7.5 साल इस बच्चे का उम्र हो गया। मेरे यहाँ आने से पूर्व ये बच्चा करवट भी नहीं ले सकता था, पोजीशन नहीं बदल सकता था, अपने से कुछ नहीं कर पाता था और कमर के नीचे दोनों पैर में इसका पावर ही नहीं जा रहा था। हमने इसका MRI करा के देखा, उसमें जो प्रॉब्लम था उसके हिसाब से इसकी चिकित्सा मैं कर रहा हूँ और इस बच्चे को लाभ शुरू हो गया है। अब ये बच्चा बैठने लगा है, करवट अपने से घूम जाता है और खड़ा होने लगा है, दीवार के सहारे अभी खड़ा हो जाता है, किसी को पकड़ के अब चल भी लेता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके इस बच्चे की बीमारी कब से था और क्या कहाँ इलाज कराए और आपको अभी जो इलाज चल रहा है इसमें कितना फायदा है, जरा इस संबंध में आप जानकारी दें अपने परिचय के साथ। मेरा नाम हुआ मनीष चंद्र कपूर, मैं कलमबाग रोड का निवासी हूँ। ये बच्चा मेरा मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये शुरू से जब से हुआ तब से ये परेशानी है, कभी बैठा नहीं, चला नहीं। हम चंडीगढ़ PGI इलाज करवाए, लुधियाना इलाज करवाए, पटना इलाज कराए, मुजफ्फरपुर में भी मोटा मोटी जितने डॉक्टर थे सबसे इलाज कराए, कोई प्रोसेस मेरा आगे नहीं बढ़ा। अभी विगत हम यहाँ 1 महीना 20 दिन से इलाज करवा रहे हैं, बैठ रहा है, चलने का कोशिश कर रहा है, करवट बदल रहा है, कुछ अब अपने पैर पे ही भार दे के खड़ा भी हो रहा है, कुछ पकड़ के चल भी रहा है। काफी सुधार आप महसूस कर रहे हैं? बहुत सुधार। इसका कुब्बा टाइप का पीठी से निकला हुआ था, आज के डेट में पूरा बराबर हो चुका है, कहीं भी कोई हड्डी पीछे पीठी का नहीं निकला हुआ है, सब अब बराबर। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आदित्य कपूर। क्या कोई परेशानी हो रही है इलाज में? नहीं। अब सुधार महसूस हो रहा है, बैठ रहे हो? हाँ। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।